सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे आने वाली हर अपडेट की डिटेल पाना चाहते हैं तो ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब का नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं, जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं, उसकी डिटेल्स आपको डे टू डे मिलती रहेगी दोस्तों। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, लेट्स मूव अहेड गाइस। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आपके सामने साफ साफ एक पांचवा लिंक अगर आप देख रहे हो दोस्तों, 8070 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है दोस्तों। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर है क्या, तो ये लिंक हम लोग ओपन करके देखेंगे। उससे पहले मैं रीड करके बताता हूँ कौन सा लिंक हम देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ फिल्म सिविल एंड गारमेंट डिपार्टमेंट, इसमें क्या है, तीन पोजीशन दी हुई है दोस्तों, फिल्म सिविल एंड गारमेंट डिपार्टमेंट। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, सिंपली आप लोग को ले चलता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ ये पेज ओपन हो गया और यहाँ पे इतनी सारी डिटेल लिखी हुई है, तो सारी की सारी मुझे रीड करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैं वही आप लोगों को रीड करके बताता हूँ दोस्तों। सो यहाँ पे पहला ही जो दिया हुआ है दोस्तों, फिल्म डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो फिल्म वाले कुछ लोग हैं जो विकी सर को कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर ये क्या है, इसके बारे में उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो विकी सर से मैंने भी पूछा, उसके आधार पे मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्म लाइन की पोस्ट है, टीम मैनेजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरा एंड लाइटिंग, साउंड प्रोडक्शन। उसके साथ साथ में दोस्तों आप देख रहे हो 50K पर मंथ ऐसा करके PM करके ये भी लिखा हुआ है। सैलरी है दोस्तों, ये पर मंथ की इनकी सैलरी है, जो भी ये पोस्ट है इतनी ही पोस्ट है इनके पास। आर्ट डिपार्टमेंट, साउंड प्रोडक्शन एंड इसके आगे जस्ट लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ तो 110 टीम मैनेजर ऐसा चाहिए इनको। और यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है 7वां नंबर, 130 लोग चाहिए और कस्टम डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे 35,000 सैलरी रहेगी पर मंथ की। हेयर एंड मेकअप वाले को 35,000 सैलरी है, 130 लोग चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका ब्रांच है जो 30 जगह पे है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्प्रेड किया जाएगा सभी लोगों को। ऑल ओवर इंडिया से ये पोस्ट सब चाहिए, यहाँ पे 130 लोग चाहिए स्पेशल इफेक्ट वाले 35। फिल्म लाइन में अगर आप इन्वॉल्व हो दोस्तों तो ये सारी पोस्ट के बारे में जानते रहोगे। और यहाँ पे सबसे अट्रैक्टिव मुझे ये लग रहा है दोस्तों, 150 लोग चाहिए स्टंट मैन की पोजीशन के लिए। यहाँ पे वुमेन भी चलेगी, यहाँ पे 35,000 इनकी सैलरी रहेगी पर मंथ की। 130 लोग चाहिए पोस्ट प्रोडक्शन वाले, 35,000 इसकी सैलरी रहेगी। और यहाँ पे मेल फीमेल मॉडल चाहिए दोस्तों, और 35,000 इनको पर मंथ की सैलरी फिक्स रहेगी। एक्टर एंड एक्ट्रेसेस 176 चाहिए और 35,000 इनकी सैलरी रहेगी दोस्तों। दोस्तों मैं बता दूँ, इनको काम मिले ना मिले प्रोडक्शन हाउस से या ये डिपार्टमेंट से, फिल्म लाइन से, तो इनकी जो सैलरी जो सामने आप देख रहे हो वो फिक्स रहेगी, वो उनकी चालू रहेगी। और प्लस इनको काम मिलेगा तो इनको अलग से भी पैसे मिल रहे हैं, वो मैं रीड करके दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को, इस फील्ड से फिल्म लाइन में अगर आप जाना चाहते हो, आप बिलोंग करते हो, तो भी आप आ सकते हो। आप फ्रेशर हो, कभी आपने ड्रीम किया था कि आपको फिल्म लाइन में जाना है, तो भी आप इसमें आके अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और मैं बता दूं, इनका एक और पेमेंट सिस्टम है कि इनका अगर शूट हो रहा है, लास्ट लाइन आप देख सकते हो पेमेंट सिस्टम का लिखा हुआ है कि यू ऑल गेट फिक्स सैलरी अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। मतलब आपकी जो पोस्ट है ऊपर, ये सारी पोस्ट अगर जो फिक्स है उसमें फिक्स सैलरी जो है वो सर मिलेगी ही मिलेगी आपको। उसके अपार्ट क्या मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम दिस एवरी डे ऑफ शूट यू ऑल विल गेट 2,500, 5,000, 10,000, 20,000 और 50,000, डिपेंड अपॉन योर पोजिशन। जैसे कि दोस्तों मैं आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये पर डे का है दोस्तों, एवरी डे यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपका जब शूटिंग होगा तो, मतलब अभी यहाँ पे होते हैं कुछ चाय वाले होते हैं, चाय ला के देते हैं, स्पॉट बॉय होते हैं जो हेल्पर्स होते हैं, उनको 2,500-5,000 में निपटाया जाएगा। एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो, और बड़े डायरेक्टर वगैरह हैं, तो उनको 10,000, 20,000, 50,000 एवरी डे का शूट का मिलेगा। और इनको काम नहीं मिल रहा है तो इनकी जो सैलरी है वो फिक्स और चालू रहेगी, और जिस दिन वो काम कर रहे हैं उनको अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट उनको ये सैलरीज मिलेगी दोस्तों एवरी डे का।
तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो फिल्म लाइन है, जो स्टूडेंट इस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स गेम, ऐसे लेवलों पे पार्टिसिपेट करेंगे, उनके ऊपर शॉर्ट मूवीज बनेगी। और कोई बंदा यहाँ से, हम इस इंस्टीट्यूट का मोटो है भारत का एक कदम ओलंपिक की तरफ, और कोई बंदा जब किसी इस इंस्टीट्यूट से ओलंपिक को रिप्रेजेंट करेगा तो श्योर शॉट है कि उसके ऊपर एक मूवी बनेगी। और उसमें ये फिल्म लाइन का जितने लोग इन्वॉल्वमेंट है वो सारे लोग इसमें एक्ट करेंगे दोस्तों, सबको यहाँ पे चांस मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल्स हो तो उनके लाइफ के ऊपर शॉर्ट मूवीज बनेगी और वो वहाँ पे यूट्यूब के चैनलों पे रिलीज की जाएगी और इनका जो वेबसाइट रहेगा उस पर रिलीज की जाएगी। और मैं बता दूं, जो बड़ी बड़ी फिल्म्स बनेगी, लाइक इंटरनेशनल बेस बनेगी, जो इंटरनेशनल प्लेयर के ऊपर बन रही है इस इंस्टीट्यूट के, तो वो पर्दे पे दिखाई जाएगी दोस्तों। तो ये बेनिफिट रहेगा आप लोगों को, यहाँ से भी आप लोग स्टार बन सकते हो दोस्तों। अगर आपके अंदर फिल्म लाइन का क्रेज है तो आप ये लाइन में अप्लाई कर सकते हो। और मैं बता दूँ, यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट की पोस्ट है, कंस्ट्रक्शन लाइन की, तो मैं ये पोस्ट सारी रीड नहीं करने वाला दोस्तों, लेकिन आप लोग देख सकते हो साफ साफ यहाँ पे 22 इस लाइन में, 23 यहाँ पे है, और ओवरऑल यहाँ पे 24 पोस्ट है दोस्तों, आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ सैलरी मेंशन नहीं की गई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नीचे कुछ लाइन लिखी हुई है, तो जो भी है यहाँ पे, इन शॉर्ट मैं नीचे वाली लाइन रीड करके तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ कि आपकी सैलरी 20,000 से नीचे जाएगी नहीं। आप शायद यहाँ पे सुपरवाइजर हो या वॉचमैन हो, क्लर्क हो, तो 20,000 के नीचे आपको सैलरी यहाँ पे नहीं मिलेगी। आपकी पोस्ट बहुत अच्छी है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो और अच्छा आपको सैलरी मिलेगा। और ज़्यादातर यहाँ पे इंस्टीट्यूट में ट्राई किया जा रहा है यंग लोगों को और फ्रेशर लोगों को चांस देने का ट्राई किया जा रहा है दोस्तों। अगर आप फ्रेशर हो तो ये इंस्टीट्यूट और ये पोस्ट आपके लिए ही बनी है, आपको ही अप्लाई करना है दोस्तों। और एक्सपीरियंस है तो फिर तो समझ लीजिए कि आपको सैलरी बहुत अच्छी दी जाएगी दोस्तों यहाँ से। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लास्ट लाइन हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लास्ट पोस्ट है गारमेंट डिपार्टमेंट की। इसमें किसी पोस्ट के बारे में नहीं लिखा हुआ है। अगर आप गारमेंट फील्ड में कभी काम किए हो और इंटरेस्टेड हो तो मैं बता दूं, इनकी टोटल ओवरऑल 30 पोस्ट है दोस्तों, 30 ब्रांचेस है, तो 30 ब्रांचेस में इनको 3,154 पोस्ट निकली हुई है। मतलब वो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करने वाले लोग हैं, हर एक फील्ड, हर एक ब्रांच में इतने लोग पर्टिकुलर रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे ही आपको मतलब सैलरी आपकी डिपेंड होगी, लेकिन ये बता दिया जाए कि 20,000 के नीचे किसी को भी सैलरी नहीं रहेगी। और गारमेंट डिपार्टमेंट का इस इंस्टीट्यूट में वर्क ये रहेगा कि हमारे पास 52 गेम है दोस्तों, 52 गेम में जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उसकी मशीनरीज हर एक ब्रांचेस में होगी, तो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बनेंगे। और जितने सारे स्पोर्ट्स के क्लोथ होते हैं दोस्तों, हर एक स्पोर्ट्स का अपना ड्रेसिंग स्टाइल होता है, तो क्लोथ बनेंगे वहां पे, और यही सारे इनके ब्रांड के क्लोथ मार्केट में बिकेंगे, इनके ब्रांड के स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट मार्केट में बिकेंगे। उससे जो बेनिफिट होगा दोस्तों, ये बेनिफिट इंस्टीट्यूट को एक बेस रहेगा, आधार रहेगा कि आप लोगों को इससे ही सैलरी पे की जाएगी। और जो सिविल लाइन है ये भी एक बेस रहेगा, और यहाँ पे फिल्म लाइन है ये भी बेस रहेगा कि इंस्टीट्यूट का अर्निंग सोर्सेस ये रहेगा दोस्तों, यहाँ से अर्न किया जाएगा और इसी के बेसिस पे आप लोगों को सैलरी पे की जाएगी। ये एक इसका प्लस पॉइंट है दोस्तों। और यहाँ पे मैं बता दूँ, बेनिफिट ऑफ फिल्म सिविल एंड गारमेंट डिपार्टमेंट का जो बेनिफिट है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। फूड फैसिलिटीज आपको दी जाएगी दोस्तों, अकोमोडेशन दोस्तों, यहाँ पे रहना भी आपको इंस्टीट्यूट में ही दिया जाएगा, आपके ऊपर है, आप रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो आपके नियर बाय में ही इंस्टीट्यूट है तो आप घर पे भी जा सकते हो। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज आपको घर से यहाँ तक दी जाएगी दोस्तों। इफ़ यू वॉन्ट टू डू एनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सो यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन स्पोर्ट, मतलब दोस्तों ये तो बेसिकली स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट है। अगर आप किसी भी फिल्म लाइन या गारमेंट लाइन या सिविल लाइन में जाते हो और आप यंग हो, आप स्पोर्ट्स खेलना भी चाहते हो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी दोस्तों। तो आपके पास चांस रहेगा, कोई एक गेम लो और उसे लाइफ टाइम अपने आप पे इंप्लीमेंट करो दोस्तों। और यहाँ पे पांचवा पोस्ट हम देख सकते हैं, एंड डू इट फॉर 4 आवर ट्रेनिंग, फ्री सेलेक्ट एनी थ्री ब्रांचेस फॉर योर वर्क, एंड वन विल बी प्रोवाइडेड बाय योर टीम मैनेजर। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपका टीम मैनेजर का एक पोस्ट रहेगा, जो MBA वगैरह किए हैं उनको टीम मैनेजर की पोस्ट दी जा रही है इसमें। तो
तो बता दूं मैं कि वो टीम मैनेजर, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको 3 नाम लिख के देना पड़ेगा दोस्तों, जो आपको नजदीक पड़े। जो ब्रांच है 30, वो 30 ब्रांच में से 3 नाम आपको लिख के देना पड़ेगा। तो टीम मैनेजर के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको किस ब्रांच में वो डाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी करना चाहते हो तो 4 घंटे आपको मिलेंगे ट्रेनिंग के लिए, और आपका जो जॉब है उसको उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट किया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे छठवीं पोस्ट आप देख सकते हो, वीकली 5 डे आपको काम करना रहेगा, पर डे 8 आवर्स का आपका ड्यूटी रहेगा दोस्तों। 5 दिन काम करना रहेगा, हर दिन 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा, और 2 दिन आपको हॉलीडे दिया जाएगा दोस्तों। सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट ये लिखा हुआ दोस्तों, 7वां पोजिशन, पर ईयर आपकी सैलरी सपोज 40,000 है, तो पर ईयर आपकी सैलरी में 15% का इंक्रीमेंट होगा दोस्तों। 40,000 का 15% इंक्रीमेंट करेंगे हर ईयर दोस्तों, मतलब आपकी सैलरी जो भी है हर साल 15% बढ़ती जाएगी दोस्तों। सोच लो 5 साल बीत गया तो फिर सैलरी क्या होगी, अनबिलीवेबल। बहुत अच्छा फंडा लग रहा है मुझे। फ्री एजुकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट विथ जॉब एंड स्पोर्ट्स, बट योर एज रिक्वायर्ड 18+। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप जॉब करना चाहते हो और आपकी एज 18+ है, और आप एजुकेशन भी लेना चाहते हो, स्पोर्ट्स भी खेलना चाहते हो, जॉब भी करना चाहते हो, ये तीनों चीज़ें करना चाहते हो, तो ये इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करेंगे और आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जॉब दिया जाएगा, एजुकेशन फ्री में दिया जाएगा, स्पोर्ट्स फ्री में दिया जाएगा, उसके साथ ट्रेनिंग आपको फ्री में दी जाएगी, रहने खाने की फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज, सारी कुछ फ्री में। मतलब बेसिकली दोस्तों देखा जाए तो ये इंस्टीट्यूट आपकी लाइफ बना देगा। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप इसके बारे में ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो इस इंस्टीट्यूट को फेक समझ रहे हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं ये जेन्युइन है, बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। और इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बता दूं, इसके ही जस्ट नीचे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई, कॉन्टेक्ट अस एंड अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों। ये जो है आप इस पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अगर मैंने इसके ऊपर बेस करके एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप लोग वहाँ से वो लिंक लेके वो वीडियो भी देखिए, और उससे आप लोग को पता चल जाएगा साफ साफ कि कैसे अप्लाई करना है दोस्तों। यहाँ पे से आपको फॉर्म मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से फॉर्म मिल जाएगा, आपको अप्लाई ऐसे करना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए विक्की सर का नंबर आपके स्क्रीन पे इस वक्त मैं शो कर रहा हूँ, आप वहाँ से नंबर लेके विक्की सर को कॉल कर सकते हो दोस्तों। और विक्की सर कभी भी किसी का कॉल मिस नहीं करते, और मिस हो गया दोस्तों तो वो सामने से आपको कॉल करेंगे। रामा सर जैसा मिस कर देते और कांटेक्ट नहीं करते आपसे, वैसा विक्की सर कभी नहीं करते दोस्तों। तो आप प्लीज़ किसी को भी बिना जाने पहचाने ब्लेम ना करिए, और इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो, और ज़रूर शेयर करना दोस्तों। क्या पता आपको ज़रूरत ना हो, आपके दोस्त को ज़रूरत हो, तो उसके पास तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय।